वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ गुड फूड गुड लाइफ। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज मोमोज। इसके लिए मैंने लिया है गाजर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, लहसुन एंड प्याज, और एक वाटी मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। तो चलिए अभी गैस पर कढ़ाई रख देते हैं, उसमें तेल ऐड कर लेते हैं। 3 बड़े चम्मच में तेल ऐड कर रही हूँ अभी इसमें। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, और ये अच्छे से फ्राई होने के बाद अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। अभी दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही फ्राई होने देंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज एंड प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ब्राउनिश कलर होना चाहिए प्याज का, तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स करके, और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे का एक ही पार्ट जल ना जाए। अब इसको 1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे ही। अभी 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, आप भी वैसे करिएगा। अब इन सबको हम मिला लेते हैं और अच्छे से मिक्स करके इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही हमारी सारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। अभी सब वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। पहले मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, उसके बाद जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच अभी हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ज़्यादा मत डालिएगा, बस थोड़ा सा ही डालना है। और अभी इसके बाद हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। आपकी सब्जी की क्वांटिटी देखकर ही आप नमक डालिएगा। अभी नमक के बाद हमें इसमें ऐड करना है पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। तो मैं यहाँ पे नॉर का पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सॉस और सब मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हमारा अंदर का जो मसाला है ये रेडी हो चुका है, बस इसे अच्छी तरह से हमें पकने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे ढक्कन रख रही हूँ और 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। तो अभी हमारा मसाला रेडी हो चुका है 10 मिनट के बाद, अभी हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं।
ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अभी हम इसे। अभी मैंने मैदे का आटा बना लिया पूरा अच्छे से, और इस पे मैंने पानी और तेल मिलाया था। तेल इसलिए डालना है ताकि आपका जो मिक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से भून लेना है उसको तेल और पानी डाल के। और एक बाटी मैदे में बहुत सारे मोमोज बनते हैं, 16-17 मोमोज बनते हैं, विच इज़ प्रिटी गुड फॉर 2 to 3 पीपल, तो उसे ज़्यादा मत लीजिएगा। अभी मैं इसके छोटे छोटे राउंड बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और मैं केक की ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी अभी लेने वाली हूँ, तो आप लोगों में से जिनको भी करना है, आप प्लीज़ आपका पूरा नाम कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूँगी, आप उस लिंक के ऊपर जाके टेलीग्राम का मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको उधर ही उसे ग्रुप पे क्लास की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके ऊपर पानी उबालने के लिए हम रख देंगे। गैस ऑन कर रही हूँ अभी मैं, तो आइए अभी हम मोमोज बना लेते हैं। नॉर्मली हम मोदक जैसे बनाते हैं वैसे ही पूरा प्रोसीजर है इसका। ये हम छोटी छोटी पूरी बना लेंगे और उसमें हमारा जो मसाला है वो भर के उसे पैक कर देंगे। आप कौन से भी शेप में मोमोज बना सकते हो। और जितना हो सके उतना उस पूरी को पतला करना है, जितना पतला करोगे आप उस पूरी को उतने अच्छे आपके मोमोज बनेंगे। फिर मैं यहाँ पे मसाला भर के अपने सारे मोमोज कर लेती हूँ। अभी पानी भी हमारा पूरा अच्छे से उबल चुका है। इसमें हम रखेंगे छन्नी, और छन्नी को तेल लगा लेना है पहले, और फिर तेल लगाने के बाद उसके ऊपर हम ये मोमोज रख देंगे। अभी इसको 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। उसको पूरा ढक लीजिए ऊपर से ढक्कन लगा के, और पूरे 10 मिनट उसको स्टीम होने देना है। तब तक मैं दूसरे भी मेरे बचे हुए मोमोज कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से हो चुके हैं हमारे मोमोज। अभी यहाँ पे उसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है और काफ़ी टेस्टी भी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कब किया और आपकी रेसिपी कैसे हुई। काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं अभी हमारे मोमोज। अभी मैं ये दूसरा राउंड कर लेती हूँ मेरा बचे हुए मोमोज का।
डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर जाके आप वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, और जिनको केक का क्लास करना है सिर्फ वही लोग वो ग्रुप ज्वाइन करिए, और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर मैं आपको सारी डिटेल्स उसी ग्रुप में दे दूँगी। वर्कशॉप की फ़ीस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ एक बार वो चेक कर लीजिए। तो हमारे मोमोज अभी रेडी हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं पूरे हमारे, अभी निकाल लेते हैं इसे। वाओ, बहुत ही अच्छे तरीके से बने हमारे मोमोज। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। अभी हम मोमोज निकाल लेते हैं, बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है, विद इन हाफ आवर ये बन जाते हैं मोमोज, तो ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएं आप जब भी ट्राई करोगे तब। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये मोमोज, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं इसको पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस से सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए वाओ, कितने अच्छे बने हैं हमारे मोमोज, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।